हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे कि स्केचअप के अंदर आप जाली किस तरीके से बना सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप 3ds मैक्स में किस तरीके से जाली को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्केचअप में कैसे हम उस चीज को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलें। एंड्रॉयड ऐप का नाम है दीपक वर्मा, और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो माई इंस्टीट्यूट नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें, और ODIMM आप ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज कर सकते हैं। आप मेरी साइट को विजिट कर सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे फ्लोटिंग वे में आपको दिख भी रहा होगा कि क्या मेरी साइट है, वहां पे जाके विजिट कर सकते हो, और वहां से जाके भी आप लॉगिन कर सकते हैं और आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जो चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन, 3ds मैक्स, स्केचअप, अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मेरी ऐप के थ्रू भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप की जाली हम स्केचअप में बनाने वाले हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यही टाइप की जाली आप 3ds मैक्स में कैसे बना सकते हो, तो ये जाली हमने 3ds मैक्स में बनाई थी लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम स्केचअप में बनाना सीखेंगे कुछ इस टाइप की जाली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। वही सेम हमें करना है, हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जाली डिजाइन PNG, ताकि आपके पास मल्टीपल जाली के ऑप्शन आए। आपको जस्ट करना इतना है, जो भी जाली आपको पसंद आए उस पर राइट क्लिक करो, सेव इमेज एज कर दो, और अपनी इमेज को डाउनलोड्स वगैरह में जहां पे भी आपको सेव करना है सेव कर लो। जैसे ये वाली जाली है, राइट क्लिक सेव इमेज एज, तो ऐसे किसी भी जाली को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब वो JPG फॉर्मेट हो सकता है, PNG फॉर्मेट हो सकता है, आपका WEB वेब फॉर्मेट हो सकता है, कोई भी फॉर्मेट हो जाए वो आपको वहां पे डाउनलोड करना है। जैसे ये WEBP फॉर्मेट, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप डाउनलोड्स में जाओगे, देखोगे आपके ये डाउनलोड्स, आपके यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। तो हम इनको डायरेक्टली इंपोर्ट करके एक्सट्रूड नहीं कर सकते, डायरेक्टली इनकी हेल्प से हम जाली नहीं बना सकते। तो मुझे इन जाली को लाइन बेस्ड ड्राइंग बनानी पड़ेगी, ताकि इनकी लाइंस ही मेरे को दिखे, जो आउटलाइंस है, और उसको मैं पुशपुल करके स्केचअप के अंदर जाली बना पाऊं। वो करने के लिए या तो जैसे हमने 3ds मैक्स में किया था, इसको कन्वर्ट किया था टू AI फॉर्मेट, इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में, बट हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे DXF फॉर्मेट में। वो चीज आप स्केच 3ds मैक्स में भी कर सकते थे, तो आज मैं बताऊंगा कि DXF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके किस तरीके से हम इसकी जाली को बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें वहां पे जाना है, एक साइट है कन्वर्टियो, लास्ट वीडियो में मैंने कन्वर्टियो यूज किया था। तो आप यहाँ पे चूज फाइल करो, जो जो फाइल आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे ये वाली फाइल हो गई, कोई भी फाइल जो आपको कन्वर्ट करनी है जाली की, ये वाली फाइल, जैसे ये वाली फाइल ओपन करो। ओपन करने के बाद ये पूछेगा कन्वर्ट टू, मैं सभी को कन्वर्ट कर दूंगा टू कैट DXF फॉर्मेट। आपको DXF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, एंड क्लिक ऑन कन्वर्ट। जैसे ही आप कन्वर्ट पे क्लिक करोगे, दो दो फाइल कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगी, यहां पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन डाउनलोड करने का, और आपको उस पर क्लिक करके अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। कैसे, अभी ये हो रहा है, देखो जैसे डाउनलोड कर दिया, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, ये तीन टाइप की जाली है, तो आप और भी कर सकते हो। तो ये DXF फॉर्मेट में आपकी कन्वर्ट होगी। अब आपको जाना है स्केचअप में। स्केचअप में जाने के बाद मैं इन फाइल्स को यहां से सिलेक्ट करता हूं और डिलीट कर देता हूं। अब जब आप जाली के डिजाइन यहाँ पे बनाओगे, तो आप देखोगे आपके काफी सारे सेगमेंट हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने में आपका सिस्टम स्लो नजर आ सकता है। ठीक है, जैसे अभी डिलीट होने में भी हल्का सा टाइम ले रहा है, क्योंकि सेगमेंट्स बहुत होंगे, जितने ज्यादा सेगमेंट्स होंगे उतनी फाइल आपकी हैवी हो जाएगी, और डिलीट होने में, एक्सप्लोड होने में वो आपका टाइम यहाँ पे ले सकती है। तो देखो आपका ये डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, क्लिक ऑन इम्पोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद जैसे मान लो मैंने ये वाली फाइल ली, एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये आपको बताएगा ऑटोकैड एंटिटीज इंपोर्टेड, लेयर 1 है एंड 2D पॉलीलाइंस 85 है, एंड क्लोज। जैसे क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से यहाँ पे जाली का डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको यहाँ पे है,
अब इसको करना क्या है, इसको सबसे पहले तो राइट क्लिक करके कर दो एक्सप्लोर, ठीक है। एक्सप्लोर करते जब आप एक्सप्लोर करोगे तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अगेन वही सेगमेंट ज्यादा है, आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सप्लोर करने से क्या हुआ कि ये सारी लाइंस अलग अलग होगी, अगर आप देखोगे ये लाइंस अलग अलग है सारी, बट हमें क्या चाहिए, अगर मैं इन लाइंस को एक्सट्रूड करना चाहूं तो पुश पुल कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम पुश पुल किसको कर सकते हैं, अपने ओनली सरफेस को, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, मान लो आपने एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा, और मान लो मैंने ये बना दिया, अब अगर आप इसको पुश पुल करना चाहे इसको तो पुश पुल कर सकते हो, बट अगर आपने इसको डिलीट ही कर दिया फेसिस को, तो आप इसको पुश पुल ही नहीं कर पाओगे। आप अगर आपको ये पुश पुल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा रेक्टेंगल लेना पड़ेगा और इस पे एक रेक्टेंगल बना दो, ये लाइंस उस रेक्टेंगल पे आ जाएगी, अब आप अगेन पुश पुल कर सकते हो कुछ इस तरीके से, यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं भी एक रेक्टेंगल लूंगा यहां से और इसी के ऊपर एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया, बट रेक्टेंगल बनाने से क्या होगा कि आप क्लिक करोगे सारा रेक्टेंगल एक ही बार में सिलेक्ट हो रहा है, ये वाली लाइंस उस रेक्टेंगल के ऊपर आई ही नहीं। तो इसको करने के लिए यहीं पे एक छोटी सी ट्रिक है कि आप कंप्लीट को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे है इंटरसेक्ट फेसेस विद मॉडल, आप इस पे क्लिक कर दो तो ये फेसेस इंटरसेक्ट हो जाएंगे मॉडल के साथ, तो आप देखोगे सारे सरफेस अलग अलग हो गए। अब सिंपली करना क्या है, इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके, ये आपने देखो यहाँ पे मूव कर दिया, कंट्रोल प्रेस नहीं करोगे तो वहां से इस तरीके से आएगा, कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये वाला पार्ट अलग से कॉपी हो जाएगा, ये आपका कॉपी हो गया, बस सिंपल पुश पुल लो और आप इसे हल्का सा पुश कर दो, तो ये आपका इस तरीके से कोई भी जाली का डिजाइन यहाँ पे बन जाएगा जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, क्लियर है। अब ये एक जाली का डिजाइन बना, इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ ताकि मैं दूसरा बना पाऊं यहाँ पे, ये मान लो मैंने यहाँ पे मूव किया, अब मैं इंपोर्ट पे जाता हूँ, क्लिक ऑन इंपोर्ट, अब मैं दूसरी टाइप का डिजाइन लेता हूँ, इंपोर्ट पे क्लिक किया, ओके ये मेरी जाली का डिजाइन आ गया, वही कॉन्सेप्ट है, पहले सिलेक्ट करो राइट क्लिक करो एक्सप्लोर कर दो, एक्सप्लोर करने के बाद एक रेक्टेंगल लो, अब जैसे ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा क्योंकि हैवी फाइल्स होगी, जैसे ही एक्सप्लोर हो जाए रेक्टेंगल लो, यहां से यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको सिलेक्ट करो और आप राइट क्लिक करके इंटरसेक्ट फेसेस विद मॉडल कर दो, तो ये शेप्स जितनी भी हैं आपके उस रेक्टेंगल के ऊपर आ जाएंगी, अब आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करके इसे मूव कर दोगे ताकि आप इसे पुश पुल कर पाओ, सिलेक्ट करो मूव कंट्रोल प्रेस करो और यहां से ये मूव कर दिया तो ये वाला डिजाइन आ गया, पुश पुल पे जाओ और यहां से इसको पुश कर दो तो आप देखोगे ये जाली का डिजाइन ऐसे आ गया यहाँ पे, क्लियर है। दो टाइप की जाली बन गई, चलो तीसरी को भी बना ही लेते हैं, सिलेक्ट किया थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ क्योंकि जब इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे फाइल आती है, वरना हम उधर भी रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, चलो लेके देखते हैं, इंपोर्ट ये मैंने लिया, कैप्चर ओके क्लोज, तो ये देखो ये आ गया आपकी, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अरे सिलेक्ट हो गया, इसको मैं मूव कर लेता हूँ, इसी को ही मूव कर लेता हूँ, उसके बाद आप स्केल वगैरह भी कर सकते हो, आप सिलेक्ट करो आप स्केल वगैरह जो भी आपको करना है सिलेक्ट करो, आप अपना स्केल कर सकते हो आपने किसी भी ड्राइंग को यहां से, क्लियर है। इसको सिलेक्ट किया राइट क्लिक एक्सप्लोर, एक्सप्लोर कर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे हम, अब ये एक्सप्लोर हो गया है, अब रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे रेक्टेंगल लगाया सिलेक्ट किया, मेक श्योर सारा सिलेक्ट हो, राइट क्लिक इंटरसेक्ट फेसेस विद मॉडल, और ये करने के बाद अब हम बीच वाले सरफेस को मूव कर देंगे कंट्रोल प्रेस करके ताकि ये मूव हो जाए, और मूव होने के बाद पुश पुल, और इसको आप हल्का सा पुश कर दो तो आप देख सकते हो इतने सारे आपके जाली के डिजाइन बन गए, तो आप किसी भी जाली टाइप का जाली का डिजाइन बना सकते हो, जैसे मैक्स में इतने सारे टाइप्स के जाली के डिजाइन हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो कितने सारे जाली के डिजाइन है, कोई भी जाली का डिजाइन लो और आपने वहां पे बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो ये था किस तरीके से स्केचअप में बना सकते हो, तो और भी किसी टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई आपको यहाँ पे रेविट में अगर आपको चाहिए जाली बनाना सिखाओ या किसी भी और सॉफ्टवेयर में तो आप मेरे को बता सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।